और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस कांड से जुड़ी हुई है। देखिए, हाथरस कांड को लेकर पटना में केस दर्ज किया गया के भोले बाबा पर। पटना में केस दर्ज हुआ है, बड़ी खबर इस वक्त। पटना सिविल कोर्ट में केस दर्ज किया गया के हाथरस में एक सत्संग के दौरान भगदड़ मची, 121 लोगों की जान गई। अब इस पूरे ही मामले को लेकर पटना से ये खबर आ रही है कि सिविल कोर्ट में भोले बाबा उर्फ सूरजपाल पर FIR दर्ज की गई है, केस दर्ज किया गया है। और इस खबर पर और क्या डिटेल्स है हमारे पास, आर्यन आनंद हमारे संवाददाता हमें जानकारी देंगे। आर्यन, यानी बाबा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अब इसके बाद? देखिए, निश्चित तौर पर बाबा को लेकर अब हर जगह पर जो मुकदमा है वो दर्ज किया जा रहा है। पटना के सिविल कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता द्वारा जो FIR है वो दर्ज किया गया है और साफ तौर पर स्पष्ट किया जा रहा है कि उन्हें हर तरीके से अब घेरने की जो कोशिश है वो की जाएगी। आस्था के नाम पर जो खिलवाड़ हाथरस में हुआ, जिस तरीके से 121 लोगों की जान गई, ये कहीं से भी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब उनके ऊपर पटना के सिविल कोर्ट में मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है और जो अधिवक्ता हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि मामला संगीन है और उनके ऊपर IPC जो अब नए कानून आ गए हैं उसके तहत उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। अच्छा, ठीक है आर्यन। और कब ये केस दर्ज किया गया, एक बार फिर से बताइए जिन्होंने केस दर्ज किया है उनके बारे में। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता हैं कृष्णा कल्लू, उन्होंने एक वकील को रखा और इस पूरे मामले को आगे बढ़वाते हुए आज जो मुकदमा है वो पटना सिविल कोर्ट में दर्ज करवाया। ओके, ठीक है आर्यन, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP News आपको रखे आगे।